11 बजे दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत होती है, उसमें किसी भाई की मृत्यु होती है, हत्या होती है, बड़ा दुख है। लेकिन उसके बावजूद 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर सुनियोजित तरीके से रात को 11 बजे मर्डर होता है और सुबह 11 बजे दुकानें खोलने का इंतजार करते हैं। जो असामाजिक तत्व हमारे दुकानों में, हमारे कटला एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड जगह है, जहाँ पर टूरिस्ट अधिक मात्रा में आता है, वहाँ पर मात्र शक्ति महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा अधिक आती है, वहां पर आकर के लूटपाट करना, अभद्रता करना, दुकानदारों के साथ मारपीट करना, ये बड़े ही एक, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी शर्मनाक जगह नहीं। अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जयपुर ही नहीं पूरा राजस्थान है निश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। एक विशेष समुदाय द्वारा जो हमारे परेशान किया जा रहा है उसके विरोध में आज हमने एक प्रदर्शन रखा है हिंदू समाज की तरफ से। कुछ असामाजिक तत्व है जो हमारे बाजारों में जाके लूटपाट करते हैं और हमारे लोगों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन बिल्कुल नरम रवैया अपनाता है, कोई भी सख्त रवैया नहीं होगा। क्योंकि जब भी शहर में निकलते हैं तो एक डर का माहौल हर समय बना रहता है, बच्चों की सुरक्षा हो, परिवार की सुरक्षा हो, हर समय एक डर बना रहता है। ये जो एक तरीके से सरकार ने सिर्फ एक ही एक समुदाय को, एक ही एक विशेष वर्ग को ये जो प्रोटेक्शन दे रखा है उससे एक डर लगता है, हिंदू आज असुरक्षित है। 2019 में जब एक अखबार वाला पैसे मांगने गया, उसकी निर्मम हत्या हुई, क्या सरकार ने आज तक उसको पूछा? नहीं पूछा। ये भेद क्यों हमारे साथ? हम इतने वर्षों से कन्हैया लाल का मर्डर केस देखिए, वहाँ पे हर जगह देखिए, पांच मर्डर हुए 5 साल पहले, लेकिन आज तक उनके परिवार भूखे मर रहे हैं। गहलोत सरकार ने एक बार भी जाकर के नहीं पूछा कि आप भूखे हो कि प्यासे हो। ये जनता राम के नाम पे आई है, हिंदुत्व के नाम पे आई है और हमेशा रहेगी खड़े, और ये मौका है जनता देखिए, गहलोत सरकार आज नहीं जीवन में कभी दोबारा कांग्रेस सरकार आ जाए तो देखना। हम सब सनातनी एक साथ है और ऐसी दुर्घटना जो घटी है उसके खिलाफ है हम, और दोबारा ऐसी हरकत न हो उसके लिए हम सामूहिक रूप से एकत्र होकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू समाज के खिलाफ जो जो गतिविधियाँ हो रही है वो ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ जयपुर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज विशाल धरना दिया जा रहा है, उसमें जयपुर के हजारों की संख्या में जनता आज बड़ी चौपड़ पर आई है और आप देख रहे हैं हिंदू समाज की माताएं बहनें इस कार्यक्रम की सफेदारी है और तुष्टीकरण और इस सरकार जो तुष्टीकरण बढ़ा रही है उसके खिलाफ भी बड़ा धरना दिया। दोनों विधायकों ने दबाव बनाकर कटले को और बाजार को बंद कराया और कटले में लूटपाट करवाई, उसके संदर्भ में पूरा व्यापार बंद करके इस धरने का सहयोग कर रहे समर्थन में खड़े हुए हैं।